हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सिक्सथ इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अपैक्ड विद द सन का लेसन एट लेसन का नाम है छोटे नवाब एंड द लायर इस वीडियो में हम लेसन की समरी टेक्सचल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन सेवन अपैक्ट विद द सन करवाया था अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैंने अपने चैनल की प्ले में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है और जिस भी लेसन को आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्ले में जाकर देख सकते हैं तो चलिए पार्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट की समरी करेंगे Sheikh Chilli was one of the courtiers of the Nawab of Jhajjar. he was very simple and witty so he was the favorite of Nawab once the nawab went away to fight a battle in his absence chote nawab looked after the state affairs the new nawab considered sheikh chilli a fool or shikar once he took sheikh chilli to task for his laziness and forgetfulness before he entire court Humble as he was, Sheikh Chilli kept mum. He went on doing funny things. Once he was asked to bring a hakim for the sick. Begum, within a short time, he appeared before the Nawab with a hakim, accompanied by a coffin maker and two grave diggers. The furious Nawab had to belt his head. Once there was a lie contest among the Chote Nawab courtiers. A reward of thousands of gold coins was announced for the biggest lie. So the courtiers narrate his after lie. Their lies were A. One claimed that he has seventeen ants as big as buffaloes. They gave forty seeds of milk at a time. B another courtier boasted that he flew to the moon every night and come back before the sunrise. C. A fat man lied to swallow seed of a watermelon which grew in his stomach. He said that they made food for him and he didn't need any more food. D. At last Sheikh Chilli Troth proved to be the biggest lie. He said that Chote Nawab was the biggest fool and did not deserve to sit on the throne. Sheikh Chilli words made the Nawab very angry. But when Sheikh Chilli declared that what he said was a biggest lie, द नवाब क्लेम डाउन ही हैड टू डिक्लेयर इट इज़ द बिगेस्ट लाई एंड गेव हिम द डिक्लेयर प्राइज शेख चिल्ली टुक द कोल्ड कॉइंस एंड वेंट अवे होम प्राउडली अब हम करेंगे इसके टेक्सटल क्वेश्चन क्वेश्चन वन द नवाब वॉज फॉन्ड ऑफ शेख चिल्लीज बाय नवाब शेख चिल्ली को पसंद क्यों करता था इसका आंसर है द नवाब वॉज अ फॉन्ड ऑफ शेख चिल्ली फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड रिफ्रेश मैनर्स नवाब शेख चिल्ली को उसकी सादगी और तरोताज़ा करने वाली तौर तरीकों के कारण पसंद करता था क्वेश्चन टू वाई डिड छोटे नवाब कोल्ड शेख चिल्ली छोटे नवाब ने शेख चिल्ली को फटकार क्यों लगाई इसका आंसर है छोटे नवाब कोल्ड शेख चिल्ली बिकॉज ही वॉज केयरलेस एंड फॉर गुडफुल ही मेड मैस ऑफ एवरी जॉब असाइन टू हिम छोटे नवाब ने शेख चिल्ली को इसलिए फटकार लगाई क्योंकि वह लापरवाह और भुलक्कट था उसे जो भी काम सौंपा जाता था उसी में गड़बड़ कर देता था क्वेश्चन थ्री लिस्ट डाउन द लाइज नेरेटेड बाय द कॉन्टेस्टेंट्स प्रतियोगि द्वारा बोले गए झूठों की सूची बनाइए इसका आंसर है देयर वॉज अ लाई कंटेस्ट अमॉन्ग द छोटे नवाब कोर्टियर अ रिवॉर्ड ऑफ थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स वॉज अनाउंस फॉर द बिगेस्ट लाई सो द कोर्टियर्स नरेटेड लाई आफ्टर लाई दे लाइज आर लिस्टेड बिलो अ हैड ए One claimed that he had 17 ants as big as buffaloes. They have forty seeds of milk at a time. B. An other courtier boasted that he flew to the moon every night and come back before the sunrise. C. A fat man lied to swallow seeds of the watermelon which were growing in his stomach. He said that they made food for him and he didn't need any more food. डी शेक चिल्लीज ट्रुथ प्रूव टू बी बिगेस्ट लाई ही सेट दैट छोटे नवाब वॉज द बिगेस्ट फूल एंड डिड नॉट डिजर्व टू सेट ऑन द थ्रोन छोटे नवाब ने के दरबारियों में झूठ बोलने की प्रतिज्ञा हुई सबसे बड़े झूठ के लिए सोने की दस हज़ार सिक्के इनाम देने की घोषणा की गई दरबारी झूठ बोलते गए उन्हीं झूठों की सूची नीचे दी गई है ए एक ने दावा किया कि उसने भैंस जितनी बड़ी चीटियाँ देखी हैं ये चीटियाँ एक समय में चालीस किलो दूध देती हैं दूसरे दरबारी ने शेखी बागरी की वह रात भर उड़कर चंद्रमा पर जाता है और सूर्योदय होने से पहले वापस आ जाता है सी एक मोटे आदमी ने बोला कि उसने तरबूज के बीजों को निकल लिया है वह उसके पेट में उग गए हैं उसने कहा कि वे उसे भोजन दिए जा रहे हैं और उसे अन्य भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती डी अंध में शेख चिल्ली का तो यही सबसे बड़ा झूठ बन गया उसने कहा कि छोटा नवाब सबसे बड़ा मूर्ख है और वह शासन करने योग्य नहीं है क्वेश्चन फोर वाई डिड छोटे नवाब ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ शेख चिल्ली छोटे नवाब ने शेख चिल्ली को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया इसका आंसर है शेख चिल्ली कॉल द नवाब द बिगेस्ट फूल इन द स्टेट ही सेड दैट नवाब डिड नॉट डिजर्व टू सेट ऑन द थ्रोन दिस मेड द नवाब एंग्री एंड ही ऑर्डर टू अरेस्ट द शेख चिल्ली शेख चिल्ली ने नवाब को राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कहकर पुकारा उसने यह भी कहा कि राजगद्दी पर बैठने का हक नहीं है इसी बात पर नवाब गुस्से में आ गया और उसने शेख चिल्ली को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया क्वेश्चन फाइव हु वॉन द प्राइज एंड हाउ पुरस्कार किसने जीता और कैसे इसका आंसर है शेख चिल्ली वॉन् द प्राइज बाय नरेटिंग द बेस्ट लाई हिज लाई इनफैक्ट वॉज द्रुत बट छोटे नवाब गॉड सोपल्ट

इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंप्लिसिटी क्वेश्चन टू शेख चिल्ली वॉज डिसक्ट बाय ऑप्शन ए द कोर्टियर्स ऑप्शन बी बेगम साहिबा ऑप्शन सी छोटे नवाब ऑप्शन डी द हाकिम इसका आंसर है ऑप्शन सी छोटे नवाब क्वेश्चन थ्री अकॉर्डिंग टू द लायर एट द नवाब कोर्ट ही हैड सीन आंट्स एज बिग एज ऑप्शन ए लॉयस ऑप्शन बी एलिफेंट्स ऑप्शन सी हॉर्सेज ऑप्शन डी बफेलोज इसका आंसर है ऑप्शन डी बफेलोज क्वेश्चन फोर बेगम साहिबा इन द लेसन वाज़ द वाइफ ऑफ डैश ऑप्शन ए छोटे नवाब ऑप्शन बी शेख चिल्ली ऑप्शन सी बड़े नवाब ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर है ऑप्शन ए छोटे नवाब क्वेश्चन फाइव द प्राइज फॉर द बिगेस्ट लाइफ वॉज डैश ऑप्शन ए 500 गोल्ड कॉइन्स ऑप्शन बी वन थाउजेंड गोल्ड काइंस ऑप्शन सी वन थाउजेंड सिल्वर कोइंस ऑप्शन डी फाइव थाउजेंड गोल्ड कॉइंस इसका आंसर है ऑप्शन बी वन थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स तो यहाँ पे हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर अपेक्ट विद द सन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो पर कमेंट करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू